राइट, इट इज मार्केट ओपन्ड अ बिट ऑफ अ गैप अप टुडे. अच्छा खासा गैप अप आज मार्केट ने ओपनिंग दी है, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दी है. और उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी थोड़ी देर मार्केट अच्छी खासी रेंज में रहा यहाँ पे, इफ यू कैन सी. राइट, ये जो बड़ी कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी थी, राइट, उसके अंदर उसने दो और कैंडल्स यहाँ पे अच्छे से बनाई है. राइट, उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी कि मार्केट ने इस वाली कैंडल से डेज लो को ब्रेक डाउन किया है, और इसी कैंडल से वाली जो बीच की जो रेंज थी, जो कैंडल थी, उनको भी ब्रेक डाउन किया है. दैट बीइंग द रीजन वी हैव एंटर्ड अ ट्रेड, राइट, जो कि थोड़ा सा अभी हमारे अगेंस्ट चल रहा है. वी हैव शॉर्टेड 34,500 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 487 से हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है. द प्लान इज सिंपल ट्रेडर्स की अब देखो मार्केट ने इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की है, उसके बाद अगर नीचे का लो तोड़ता है तो वी शुड नॉट बी यू नो गेटिंग फिलोसॉफिकल ओवर हियर कि भाई ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. अगर सस्टेन करेगा वी हैव टू टेक द रिस्क, राइट. अगर सस्टेन करेगा तो वी मेक मनी, अगर सस्टेन नहीं करेगा तो वी गिव अ स्मॉल लिटिल स्टॉप लॉस, छोटा सा एसएल देंगे हम लोग और इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, निकल जाएंगे. सिंपल एज दैट, राइट. सो वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स एज सच कि मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा. इट इज टोटली ऑल राइट, राइट. इफ वी हिट अ स्टॉप लॉस, वी हिट अ स्टॉप लॉस. इफ यू मेक मनी, वी मेक मनी, राइट. सिंपल एज दैट. हाँ, बस ये है कि अगर हम एसएल देते हैं तो हम वेरी स्मॉल एसएल देंगे. अगर हम प्रॉफिट ले जाते हैं यहाँ से तो अब क्योंकि ये पोजिशन हमने मॉर्निंग में ही क्रिएट कर ली है, राइट, तो will at least be waiting for you know 1:3 या 4 का trade in this particular case. अगर हम second half में trade लेते हैं 11 बजे 12 बजे trade लेते हैं तो हम लोग generally क्या करते हैं कि 1:2 लेके निकल जाते हैं. And because obviously अगर हम option buy कर रहे हैं तो 1:2 is good enough. But we have sold options in this case, right? So we're going to hold our trade as of now. ठीक है, एक 5 मिनट की कैंडल ने तो डेज लो के नीचे क्लोज किया है, राइट. सेकेंड कैंडल थोड़ी सी बुलिश बनी थी बट वो भी थोड़ा सा बेयरिशनेस दिखा रही है. देखो, ऑल व्हाट वी वांट ट्रेडर्स इज कि मार्केट जो है डेज लो के नीचे एक अच्छी सी क्लोजिंग दे दे. नेक्स्ट अभी 10:10 हो रहा है, as you can see over here, right? तो in next like 5 minutes ये candle की closing हमको पता चल जाएगी, which means कि ये वाली जो candle यहाँ पे बन रही है, right? It will decide the fate of our trade, right? Not the fate of our trade, but trend of the market, right? अगर यहाँ से इसको reject कर देता है, तो it will go good on the upside, but then हमारा दिन भर का risk appetite चला जाएगा, right? And अगर यहाँ से इसको reject नहीं करता है, and if it goes good on the downside, we are going to make good enough money. राइट, सो दैट इज वॉट वी आर वेटिंग फॉर नाउ, राइट. और अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखो, 34,500 इज वॉट यू शॉर्टेड. तो ये जो ब्रेक डाउन कैंडल, ऑल्दो आई वांटेड टू एंटर फ्रॉम ऑल द वे यू नो 510 से ही मुझे एंटर करना था, बट देन आई वेटेड कि भाई एट लीस्ट डेज लो बैंक निफ्टी में निकल आए, राइट. बैंक निफ्टी में जैसे डेज लो टूटेगा तब जाके मैं मेरी एंट्री प्लान करूंगा, राइट. ऑप्शन में तो ऑब्वियसली जल्दी निकल जाता है, डेज लो एंड डेज हाई जल्दी निकल आता है. That being reason we waited, right? तो ये वाली जो breakdown candle है, वहाँ पे around 487 we have entered, right? और इसका जो high है, that is 525, but एक छोटा सा हमने वो ले रखा है, क्योंकि volatility के कारण कई बार ऐसे ला भी जाता है. तो एक 10 point का हमने वो ले रखा है कि VWAP जो है हमारा, right? VWAP I don't follow it much, but ऐसे ही क्योंकि 50 point risk is what we can take. राइट, और यहाँ पे 523 का हाई एस एनीवेज है ही, तो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है 50 पॉइंट का ही एसएल लगाते हैं, राइट. सो वी हैव प्लेस्ड अ स्टॉप लॉस एज वेल ओवर हियर, एक यू नो 535 का यहाँ पे सिंपल सा एसएल हमने लगाया हुआ है. अब देखो क्योंकि आज मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुला, राइट, सो वी डिडंट हैव इनफ फंड्स, राइट, टू एंटर द क्वांटिटी. क्योंकि इतना ज्यादा गैप डाउन जब खुलेगा तो ऑब्वियसली विक्स को अगर आप देखो 5% ऊपर है. दैट बीइंग रीजन हमारे प्रीमियम्स हमको काफी अच्छे मिल रहे हैं आज, राइट. एटीएम ऑप्शंस के प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई हैं आज, तो उसी रीजन की वजह से जो ओटीएम ऑप्शन हमने बाय किया है, वी हैड टू बॉट इट लाइक अराउंड 250, राइट. तो ये वाला जो ओटीएम है, अगर ये डीके होता है, ऑब्वियसली इफ वी मेक मनी इन दिस ट्रेड, राइट, अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव कर जाता है, अच्छा खासा भी कर जाता है, इन दैट केस एज वेल ये वाला जो हमारा ऑप्शन जो हमने बाय किया हुआ है, इट इज गोइंग टू डीके प्रीटी बैडली, काफी अच्छा डीके करेगा ये वाला, राइट. ये वाला भी प्रीटी बैडली डीके कर जाएगा और ये वाला भी अच्छा डीके कर जाएगा. तो यहाँ पे 250 क्वांटिटी हमको लेना पड़ा जस्ट सो दैट कि हम लोग हमारे ट्रेड्स को ले सके. सो मार्जिन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज अराउंड 461,000 रुपीज, राइट. 461 के आसपास का मार्जिन यहाँ पे यूज्ड. ऑलराइट, नाउ लेट्स वेट फॉर अनदर लाइक यू नो 3-4 मिनट्स, जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, यू नो
वी आर गोइंग टू डू नथिंग बट हाँ इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन फॉर अस कि चलो ठीक है अब अच्छी क्लोजिंग दे दी है हमारे ट्रेड को मिल गई है एक अच्छी क्लोजिंग जस्ट लुक एट दैट ट्रेडर्स व्हाट अ मूव वी हैव गॉट मैन एक बार वॉल्यूम्स देख लेते हैं कैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज में वी आर वॉचिंग यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड कर लेते हैं VWAP मैं जस्ट ऐसे ही देखता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरफ यू नो पीपल आर हैवी चलो ठीक है लास्ट वाली कैंडल में तो अच्छा खासा वॉल्यूम आया है एंड इट मेड अ लो ऑफ अराउंड फोर कितने का लो लगाया इसने मार्केट डेप्थ मैं इट मेड अ लो ऑफ 431 मैन गुड मैन गुड मैन वी हैव अराउंड लाइक 8000 रुपीस प्रॉफिट रनिंग एज ऑफ नाउ और मैंने क्या किया कि SL ऑर्डर हटा दिया क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे फेवर में आ चुका है इसका ऑप्शन जो है वो राइट right? तो और 1:1 भी हमको मिल ही चुका है तो एनीवेज अगर यहाँ से पलट जाता है तो हम लोग यू नो जल्दी से जल्दी एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे वी वॉन्ट वेट फॉर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस राइट इन दिस केस तो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया देखो व्हाट आई डिड इज कि सिंपल मैंने यहाँ से 200 क्वांटिटी हटा दी 50 क्वांटिटी हटा दी आई सोल्ड इट ऑफ राइट अब वो मार्जिन कहाँ से लाया मैं हटाने के लिए फिर से व्हाट आई डिड इज सिंपल कि हम जो SL ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जब भी हम लगाते हैं राइट बिकॉज वी हैजिंग वी आर हैजिंग इट राइट तो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैज कर रहे हैं हमारे ट्रेड को हैज करके चल रहे हैं तो हमारा जो ब्रोकर है और जो एक्सचेंज है वो ये मानता है कि हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते अगर लगाएंगे तो हमको एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ता है राइट एक्स्ट्रा मार्जिन पे करके ऐसे लगाना पड़ता है हमको राइट तो सेम चीज यहाँ पे हमको करनी पड़ी तो यहाँ पे अराउंड 200 क्वांटिटी का ऐसे लगा हुआ था मैंने उसको 75 क्वांटिटी कर दिया राइट 535 का ही है एसएल तो अभी बट मैंने उसको 75 क्वांटिटी कर दिया सो दैट आई कैन एग्जिट दिस वन ऑलराइट सो वी हैव अराउंड 9000 रुपीस प्रॉफिट रनिंग एंड थोड़े बहुत हमारे फंड्स भी यू नो छूट गए उस यू नो एक छोटे से हैक की वजह से एंड व्हिच विल बाय द वे हेल्प अस कि यू नो आगे जाके अगर ये वाला ट्रेड हमको 20000 का प्रॉफिट देता है तो ये 4000 का लॉस तो एट लीस्ट नहीं देगा राइट भले 3000 का देते बट 4000 का एग्जैक्ट नहीं देगा राइट अब टॉकिंग अबाउट द टारगेट ऑफ द ट्रेड व्हाट आई कुड सी इज कि देखो पुराना मार्केट तो बहुत ही ज्यादा पीछे जाओगे आप तब कहीं जाके मिलेगा राइट लाइक लिटरली बहुत ज्यादा पीछे यहाँ तक आओगे तब आप राइट और वो भी मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे जाके मैंने लगा दिया था राइट तो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट तो यहाँ है लेकिन देयर इज ऑल्सो वन मोर सपोर्ट माइनर सपोर्ट यू कैन कॉल इट जहां से एक बार मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवर्सल यहाँ से किया हुआ है Right, this is also going to be a good support for us. So let's wait and watch ki market karta kya hai, 4,200-300 tak aata hai ya nahi aata hai. All what we want is simple traders ki abhi hum log 1:1 receive kar rahe hain. Right, aise 1:3 ke aaspaas hum log receive karte hain. We are going to close this trade. 1:3 ke aaspaas the same receive karte hain. All right, so that is the plan as of now. Let's wait and watch what is happening and what is not happening. और यहाँ पे आके ये behave कैसा करता है on a 5 minute time frame. यहाँ पे हमने 5 minute का time frame लगा रखा है. तो यहाँ पे आके ये behave कैसा कर रहा है, उसके behavior पे depend करेगा कि हमारा option हमको आज कितना देके जा सकता है. All right traders, so let's wait and watch what's happening with the trade. All right traders, market ने अच्छा खासा move किया है हमारे favor में और हमारा जो option है that we entered all the way from 487. It has also given us like, you know, 1:1 से ज्यादा ये हमको दे चुका है. 430 का इसने लो लगाया, 487 पे हमने एंट्री ली. ऑलमोस्ट यू नो 50 पॉइंट्स हमको दे चुका है. 50 पॉइंट्स का ही हमारा मॉर्निंग में रिस्क था. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज सिंपल. ऑब्वियसली CTC SL करना ट्रेल करना विल बी टू मच ऑफ यू नो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल कि मैं हमारा जो SL है उसको 510 पे शिफ्ट कर दूंगा. राइट 510 पे हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे. मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम 510 पे शिफ्ट. 510 क्वांटिटी. अब अगर आप यहाँ पे देखो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज सिंपल कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन किया एक बार मार्केट रीटेस्ट करने के लिए गया ये वाला लेवल. राइट द टाइम वी ब्रोक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल राइट ये कैंडल क्लोज हुई 5 मिनट की. उसके बाद मार्केट ने क्या किया रीटेस्ट करने के लिए इट वेंट अप अगेन. राइट और यहाँ से इसने ये वाला हाई लगाया एंड देन इट केम बैक. राइट तो ये वाला जो हाई है वहां पे हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर देंगे. राइट तो ये हाई जो है ऑप्शन के प्राइस में है अराउंड 507. राइट दिस इज द कैंडल वी आर टॉकिंग अबाउट. इसका जो हाई है इस 507. राइट सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि उससे थोड़ा सा ऊपर 3-4 पॉइंट का लेवरेज लेके बफर लेके हमने 510 पे हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया है. फर्दर ट्रेलिंग विल डू वंस वी रिसीव मोर देन 1:1. लाइक एटलीस्ट अगर हमारा जो
ऑप्शन प्रीमियम है वो अगर हमको मिलता है 400 के नीचे, तब हमारा स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रख लेंगे, मतलब ट्रेल करेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रख लेंगे. व्हाट आई मीन बाय पॉजिटिव साइड इज की विल मेक श्योर की यू नो इवन इफ वी हिट अ स्टॉप लॉस आफ्टर दैट नो, तो हम लोग समथिंग एटलीस्ट ब्रोकरेज यहाँ से लेके चले जाए, राइट, विच कैन बी अराउंड द लास्ट लो जो यहाँ पे हमारा लगा था, राइट. इस कैंडल का हाई भी हो सकता है, राइट, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इस कैंडल का हाई हो सकता है, फिर ये वाला हाई जो लगा है यहाँ पे भी कर सकते हैं, समथिंग विल डू वंस हमारा ऑप्शन जो है 400 के नीचे हमको मिलता है. सो एज ऑफ नाउ वी आर होल्डिंग इट विद रिस्क ऑफ अराउंड यू नो 20-21 पॉइंट्स के आसपास, 23 पॉइंट्स के आसपास हमारी रिस्क है. हमने रिस्क सीधे आधी कर दी है ट्रेडर्स यहाँ, एंड दैट इज व्हाट वन शुड बी फोकसिंग ऑन, राइट. सो लेट्स होल्ड इट डाउन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 510. There is nothing much happening in the market as of now, traders. इस resistance level की जब हम बात कर रहे थे, मतलब जो यहाँ पे breakdown हुआ है सुबह, वहीं पे कहीं पे आके एक बार इसने test किया almost, और वहाँ से थोड़ा बहुत rejection लेके अभी दिखा रहा है हमको कि थोड़ा बहुत you know यहाँ पे halt कर रहा है. I can't see a bullish sign or a bearish sign either than कि यहाँ पे हमने breakdown किया और ये हमारा resistance है, right? So I don't see much of the signs over here, but obviously we have entered a trade on the breakdowns. We got to hold it. राइट, हम इसको होल्ड करेंगे. एंड वन मोर थिंग आई कैन सी इज कि ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखो तो अच्छे से दो बार हमने इसको टेस्ट भी किया हुआ है, राइट. तो ऑब्वियसली अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद यू नो टाइम तो स्पेंड कर ही दिया है, लेकिन अब जो है यहाँ से इफ इट कम्स बैक एंड एक और बार टेस्ट करके फिर जब ब्रेक डाउन करेगा तो इट इज गोइंग टू बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ री एंट्री एज वेल, बट देन वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डू दैट, राइट. क्योंकि वहां पे फिर अगर हम फिर री एंट्री करेंगे तो हमारे लिए फिर से वही इशू हो जाएगा कि यू नो यू सॉर्ट ऑफ एन हैव टू टेक द रिस्क ऑफ अराउंड यू नो फिर से आपको 10,000 का रिस्क लेना पड़ेगा. हमारे स्ट्रेट में भी होल्ड अ रिस्क ऑफ ओनली 4,500 रुपीज के आसपास, राइट. सो इट्स बेटर ओनली कि हम इसी ट्रेड को होल्ड करें, राइट, एंड लेके चले इस ट्रेड को, राइट. अगर यहाँ से ये ऊपर वाला हाई तोड़ देता है, राइट, नीचे वाला लो तोड़ने की जगह अगर ये वाला हाई तोड़ देता है तो इट शुड गो, राइट, एक 4,500 का एसएल दे देंगे हम लोग. वैसे भी इस हफ्ते 2 SL तो हमारे आ ही चुके हैं, राइट. सो इट्स ऑलराइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड वी अंडरस्टैंड दैट टोटली, ठीक है. अब वी वेट एंड होल्ड करते हैं हम लोग इसको फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 1:3 का हमारा अभी तक का टारगेट तो है ही. एंड वंस दिस लो इज टेकन डाउन, हमारे लिए एक अच्छी चीज ये हो गई ना ट्रेडर्स की, हम लोग जो ट्रेड को ट्रेल करने की बात कर रहे थे, राइट, तो हमारे लिए अच्छी चीज ये हो गई कि देखो मार्केट ने क्या किया कि ये वाले लो को तोड़ा, ठीक है, अब वापस गया और यहाँ पे वापस ये वाला हाई लगाया. अब अगर ये वाला लो ये वापस तोड़ता है, ठीक है, इफ इट ब्रेक्स डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर लो, तो हमारा जो SL अभी यहाँ कहीं पे लगा हुआ है, वी कैन लिटरली ट्रेल इट राइट अवे राइट ओवर हियर, राइट. तो हमको ट्रेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, राइट. अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर ये चीजें आप समझ जाओगे ना जितना जल्दी आपके लिए इतना बेटर होगा सर्वाइव करने के लिए मार्केट में. अभी हमारा SL देखो कहाँ लगा है, 510 पे. ये वाला हाई इसने कहाँ पे लगाया, 483 पे. तो 487 के आसपास हमारा जो CTC SL हम प्लान कर रहे हैं वो हम लोग इजीली लगा सकते हैं, राइट. दैट बीइंग द रीजन यू नो दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स वन शुड बी प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो, राइट. अगर मार्केट एक हाई लगा के वापस जाता है ना तो आई कंसिडर इट टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस ओनली, राइट. सो दिस व्हाट वी आर प्लानिंग एज ऑफ नाउ, लेट्स होल्ड इट ऑन और देखते हैं कि इधर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा या ऊपर की तरफ करता है. अच्छी, लेट्स होल्ड इट ऑन. ऑलराइट ट्रेडर्स, एज यू कैन सिंपली सी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, वी हिट अ स्टॉप लॉस. मार्केट हमारा जो रेंज था उसके ऊपर जा चुका है एंड वी बुक द लॉस एज वेल, 530. हमारा SL भी ओरिजिनल खा ही चुका होता, राइट. दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट यू नो इट इज टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, गाइस, राइट. अब जैसे 535 ये इजीली हिट कर ही जाता, हमने 510 पे एग्जिट ले लिया है, right, and we booked a loss of around 3,600 rupees for this particular what do you call it week, right. This week hamara I couldn't trade yesterday ka I recorded, usse pehle I also took a trade, teen trades hafte humne liye and we booked around a loss of like you know 18,000 rupees is what I remember, right, which is totally all right, part and parcel of the game. We need to understand last week when we made money, we made pretty good money, around 50-55k something we made. Sort of which giving away like this much amount is totally all right. Ending a week right away, right over here. The question is, am I going to take another trade over here? No. One trade is what I am going to follow in this particular account because that is what, you know, being a discretionary trader, I have to be the most disciplined guy.
राइट, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना कि आई हैव टू टेक एंट्रीज बेस्ड ऑन माय ओन डिसीजंस, ऐसा नहीं है कि मेरे को यू नो कोई सेटअप मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसे ऐसे चार्ट्स बन जाएंगे तो मैं एंट्री लूँ, राइट? दैट्स व्हाट वी डू इन आवर अनदर अकाउंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो इन दिस अकाउंट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट, सो दैट बीइंग द रीजन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, वन ट्रेड अ डे ही करना है, सो वी आर क्लोजिंग अवर स्क्रीन राइट अवे.